पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, आज गुड फ्राइडे के दिन हम बलिदान की उस भावना को याद करते हैं जो प्रभु मसीह को मिली थी। उन्होंने दर्द और पीड़ा को झेला, लेकिन सेवा और करुणा के अपने आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। प्रभु मसीह के विचार लोगों को प्रेरणा देते हैं। पीएम मोदी ने दी विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई। पीएम ने लिखा कि हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी 8 से 9 अप्रैल के बीच चुनावी राज्य कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों का दौरा करेंगे। तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अप्रैल को 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों से संबंधित नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे नियुक्ति। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को जाएंगे असम। पीएम एम्स गुवाहाटी का करेंगे निरीक्षण, साथ ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र में बदल दिया है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा यूपी सरकार आरक्षण की प्रक्रिया 4 दिन के करे सार्वजनिक। कोर्ट ने सरकार को याचिका निस्तारित और आपत्तियां सुनने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड 19 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भाजपा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में सदस्यता ली। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के मध्य मालवीय क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित फिल्म स्टूडियो को ध्वस्त किया। लखनऊ में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने किसानों के साथ गेहूं की फसल की कटाई की। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साध्वी प्राची के बयान पर प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के बयानों से देश में नफरत फैल रही है और मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। संत कबीरनगर में सुहेलदेव की जयंती पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेरहल कला के परसिया गांव में आयोजित था कार्यक्रम। कन्नौज की सौरिक नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। जगह जगह गंदगी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में 2 दिवसीय कृषि पशु मेले की हुई शुरुआत। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। मुजफ्फरनगर में चल रहे पशु मेले में देश के विभिन्न राज्यों से किसान अपने उच्च नस्लों के पशुओं को लेकर इस मेले में पहुंच रहे हैं। यहां पर पहुंचे इन पशुओं की भीड़ में हरियाणा से आए गोलू दो नाम का एक भैंसा भी है जो इस मेले में आकर्षण का केंद्र बना रहा। अलीगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। इस दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर संवाद स्थापित किया गया। रायबरेली में जूते पहनकर वर्कर का पैरों से आलू धुलते वीडियो वायरल। 10 दिन पुराना बताया जा रहा है वायरल वीडियो। रायबरेली एम्स का है पूरा मामला। वहीं हापुड़ में किसानों की सुविधा के लिए कई संस्थाओं के सरकारी क्रय केंद्रों की शुरुआत की गई है। सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों खुलने से किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही गेहूं बिक्री का पैसा किसानों के खाते में पहुंचेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल में सूरज की रोशनी के सामने करने पर मस्जिद के मीनार जैसी आकृति देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मुस्लिम इलाकों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लखनऊ में जबरन मकान कब्जा करने पहुंचा आरोपी हिरासत में। आरोपी पर डकैती मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलने के दौरान नाले में गिरा मासूम। नाले में गिरने से बच्चे की मौत हुई। बच्चे की मौत के बाद लोगों ने
प्राधिकरण और ठेकेदार पर लगाए लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, एक तमंचा, चार कारतूस बरामद किए गए। हरदोई में भीषण आग में तीन घरों की गृहस्थी जलकर हुई राख। आग लगने के कारण एक महिला झुलसी। अस्पताल में भर्ती कराया गया महिला को। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के विधायकों ने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगन्नाथ महतो का निधन कल चेन्नई के एक अस्पताल में हुआ था।